शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से मीडिया कर्मियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने फिर एक कथित विवादित आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में अनाकृत प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, यानी अब मीडिया वाले सरकारी स्कूल में नहीं जा पाएंगे। इसकी खूब चर्चा होने लगी है। इस आस से संबंधित विभागीय पत्र के आलोक में लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। विभाग निदेशक सुबोध कुमार चौधरी के स्तर से निर्गत निर्देश DO प्रमोद कुमार साहू ने सभी BEO और स्कूलों के प्रधान शिक्षकों को अवगत करा दिया है। यानी अब विशेषकर सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को स्कूल में रिपोर्टिंग करने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे कि अक्सर सोशल मीडिया के रिपोर्टर विद्यालय में पहुंचकर वहां की कर्मियों को उजागर करते रहते हैं। इस दौरान सवालों की बौछार से ही प्रधान शिक्षक और शिक्षक को कुछ बोलते नहीं बनता है। कई बार प्रधान और रिपोर्टर में विवाद भी हो जाता है। वहीं विभाग को काफी असहज महसूस होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अपने कर्मियों को छुपाने के लिए हर विभाग द्वारा तरह तरह का कदम उठाया जाता है। शिक्षा विभाग ने कुछ इसी तरह का कदम उठाया है और सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन कर दी है। इधर विभागीय आदेश में मुख्य रूप से कहा गया है कि स्कूलों के प्रधान शिक्षक ही किसी रिपोर्टर या व्यक्ति को कोई बयान या जानकारी नहीं देंगे। शिक्षकों के बयान देने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। पत्र में निर्देशक चौधरी ने कहा है कि हाल के महीनों में ये देखा गया है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न उपकरण माइक कैमरा के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहां के शैक्षणिक कार्य के बारे में दिखाते हैं और व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। इससे छात्र छात्रा और शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस तरह के हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्या गतिविधि को बाधित होने की सूचना मिलती है। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों का विकास बाधित हो सकता है। निर्देशक ने कहा है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में न केवल प्रधान शिक्षक ही मीडिया को कोई जनजाति देने के लिए अधिकृत होंगे, कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। DO साहू ने कुछ माह पूर्व जारी आदेश में कहा था कि मीडिया कर्मी या अन्य व्यक्ति सरकारी स्कूल शैक्षणिक संस्थान में फोटो वीडियो लेते रहते हैं, साथ ही स्कूल के कर्मियों से इंटरव्यू लेकर उसे सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। तब विभाग को असहज महसूस होता है। बाद में जब फोटो वीडियो के आधार पर जांच कराई जाती है तो वस्तु स्थिति वास्तविकता उक्त फोटो वीडियो से भिन्न होती है। जारी पत्र में DO ने ये भी लिखा था कि ऐसे मामले पर DM की ओर से अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही उन्होंने जिले के तमाम स्कूलों के प्रधान को पत्र भेजकर कहा था कि कोई भी मीडिया कर्मी या अन्य व्यक्ति बिना उनके DO अनुमति के किसी स्कूल में फोटो वीडियो नहीं लेंगे और ना ही किसी विद्यालय के बच्चे का साक्षात्कार लेंगे। अगर किसी प्रधान शिक्षक को फोटो वीडियो लेने के संबंध शिकायत दर्ज करानी होगी तो BEO और DEO से करेंगे, ताकि जांच के बाद अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। DO का उक्त आदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि अगले दिन ही DM के आदेश पर DO ने अपना उक्त आदेश वापस ले लिया था। तो अब बिहार के सरकारी स्कूलों में मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और किसी भी रिपोर्टर या सोशल मीडिया पत्रकार को अब बिहार के सरकारी स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी या उनको एंटरटेन कोई भी नहीं करेगा, उनसे कोई भी बात नहीं करेगा। शिक्षा विभाग का यह नया आदेश जारी हुआ है। सरकारी स्कूलों में रिपोर्टर्स और मीडिया कर्मियों को बैन कर दिया गया है।